हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल आस्ते यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन रेलवे में अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपको पता होगा, जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पर बहुत सी छूट मिलती थी आपको, सीनियर सिटीजन की, महिलाओं की। ये सभी छूट रेलवे कब से चालू करने वाला है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव का बहुत बड़ा बयान आया है कल की डेट में, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पूरा बयान बता देता हूं। कोरोना महामारी में वर्ष 2020 और 21 के दौरान ट्रेनों के एसी डिब्बे में 70% यात्रियों की कमी आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया, रेलवे के टिकटों पर बंद रियायतों को फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने 2019-20 में एसी डब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों में 4% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2020 और 21 में इसमें पिछले साल के मुकाबले 70% की कमी दर्ज की गई है। रेल मंत्री ने आगे कहा, 2019-20 में और 2020 और 21 के दौरान एसी डब्बों में बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रेल मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में संसद को बताया कि कोरोना महामारी के समय से रेलवे के टिकटों पर बंद रियायतों को फिलहाल शुरू करना संभव नहीं है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सुविधा को बहाल करने के लिए उन्हें आवेदन मिल रहे हैं और लगातार मिलते ही जा रहे हैं। लेकिन रेलवे मिनिस्टर का यह साफ कहना है कि सभी रियायतें 20-3-2020 से बंद हैं और इसको चालू करने का अभी कोई भी प्लान नहीं है इंडियन रेलवे का। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाहिर सी बात है, अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।